सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए इंतजार करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर नहीं देखिएगा तो हो सकता है आपका भी स्कॉलरशिप से जुड़ी सवाल जो आप लोग का पूरा नहीं हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग डेट देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगी, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। आज ही .NET ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। 30/11/2021 यानी कि 30 तारीख का यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ देखिए बताया गया, क्या बताया गया है। इंटर व स्नातक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का रास्ता साफ, 1068 करोड़ रुपये मिलेंगे, यानी कि इतना जो स्कॉलरशिप राशि जारी किया गया इंटर वालों के लिए। और बात करिए यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए यही नहीं, इंटर और स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। यहाँ देख सकते हैं क्या बताया गया है कि इंटर वालों के लिए 1068 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। विधानसभा में सोमवार को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया, इसमें मेट्रो के लिए 1000 करोड़ की मांग की। इसके अलावा बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना, इंटर बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 7 निश्चय अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका योजना के लिए 433.50 करोड़ का भी अलग से प्रावधान है, यानी कि स्कॉलरशिप राशि जारी कर दिया गया। और बात करें मैट्रिक वालों का भी बताने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए भी इतना करोड़ से अलग से प्रावधान है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या बताया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4441 करोड़ का प्रावधान है, जबकि बालिका पोशाक योजना के लिए 123 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए 54 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके लिए अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए 61 करोड़, यानी कि जो है आप लोगों को मैट्रिक वाले का मैं बता दूं, तो मैट्रिक वालों के लिए यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना यहाँ पर है मैट्रिक वालों के लिए, यहाँ देख सकते हैं के लिए 61 करोड़ रुपये, मध्यान्ह भोजन के लिए भी 235 करोड़, के अलावा विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी इतना करोड़ जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को जल्द ही प्रोत्साहन राशि दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक इंटर वालों को दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इसमें मैट्रिक वालों के लिए भी दिया गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं, बताया गया है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए 61 करोड़ रुपये दिए गए, यानी कि स्कॉलरशिप जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी महीने दोस्तों दिसंबर में, यानी कि आज है 1 दिसंबर दोस्तों, तो आप लोग का पैसा आप जो है घुसना शुरू हो जाएगा, स्कॉलरशिप राशि जारी कर दिया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।